وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ और अगर तुम इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद अरबी पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है, इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں और जिस चीज यानी रिश्ता कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कतह किए डालते हैं और जमीन में खराबी करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मुल्क के कोने कोने में अपना तालीमी जाल मजबूत करते हुए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने तलबा तालबात और ट्यूटर्स के मसाइल के हल दुरुस्त मालूमात की फरामी यकीनी बनाने के लिए कॉन्टेक्ट सेंटर कायम किया है। कॉन्टेक्ट सेंटर में सपोर्ट पोर्टल और कॉल सेंटर की सहूलियात मयसर हैं। अब आप कॉल सेंटर में पीर से हफ्ता दफ्तरी औकात में हमारी हेल्पलाइन 051-111-112-468 पर कॉल करके AIOU की खसूसी नुमाइंदा से बात करते हुए यूनिवर्सिटी में एडमिशन, एग्जामिनेशन, बुक्स डिलीवरी, रीजनल सर्विसेज, ट्यूटर सपोर्ट,
आगाही LMS या फिर यूनिवर्सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद गैर मुस्तनद और गैर मयारी सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट्स से इंफॉर्मेशन लेने की बजाय आप हमारी हेल्पलाइन पर राब्ता करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के हवाले से AIOU की खसूसी सपोर्ट पोर्टल support.aiou.edu.pk पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके घर बैठे अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری اسلام آباد کے سرسبز و شاداب ماحول میں ہے۔ اس لائبریری سے طلبہ، اساتذہ، ریسرچ اسکالرس اور دیگر جامعات کے طالب علم بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس لائبریری میں کتابوں کی ایک بہت بڑی کلیکشن موجود ہے، جبکہ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے فراہم کردہ ڈیجیٹل لائبریری کی بھی سہولت میسر ہے۔ library.aiou.edu.pk کے ذریعے آن لائن پبلک ایکسس کیٹلاگ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اخبارات اور رسالے بھی منگوائے جاتے ہیں۔ لائبریری میں ریسرچ جرنلز کا وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ریفرنس بکس کے بھی وسیع والیومز لائبریری میں موجود ہیں۔ تھیسس کا ایک الگ گوشہ مخصوص کیا گیا ہے جس کا نام AIOU ریسرچ ریپوزیٹری ہے۔ اس میں وسیع تعداد میں تھیسس موجود ہیں جو کہ MA سے PhD لیول تک کے طالب علموں کی کاوشیں ہیں۔ ان تھیسس کو بطور ریفرنس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سینٹرل لائبریری کی پیش کردہ سہولیات میں سے ایک سہولت الیکٹرانک ڈاکیومنٹ ڈیلیوری کی بھی ہے، جس میں ای میل کے ذریعے معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس لائبریری کی خاص صفت جو اسے دیگر کتب خانوں سے منفرد بناتی ہیں، وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نایاب کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ سینٹرل لائبریری میں معذور افراد کی سہولت کے لیے ایسیسیبلٹی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لائبریری میں 200 سے زائد طلبہ کے بیٹھنے کا انتظام بھی موجود ہے۔ طلبہ کی سہولت کے لیے لیٹسٹ کمپیوٹرز بھی میسر ہیں۔ لائبریری میں کوالیفائیڈ اور پروفیشنل سٹاف طلبہ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ مرکزی لائبریری کی روزمرہ سرگرمیوں کے علاوہ منعقد کی جانے والی تعلیمی سرگرمیوں میں لائبریری ویکس، بک فیئرز، ہیومن بک سیریز اور اس کے علاوہ کولوکیم اور ٹریننگ ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ AIOU کا بنیادی مقصد ایجوکیشن فار آل یعنی تعلیم سب کے لیے ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام آباد میں قائم سینٹرل لائبریری اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ لب نام رسول آیا ہے، ہر طرف رحمتوں کا سایہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے،
करम आज बालाए। मजा जब है सरकार महशर में कह दे मजा जब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बालाए। मेरे पास कुछ भी न था रोज़ महशर मेरे पास कुछ भी न था रोज़ महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है नबी का वसीला ही काम आ गया है करम आज बालाए। दोस्तों इसी के साथ ही प्रोग्राम नूरे बसीरत से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कृपा। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में आपको वेलकम करता हूं। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान खसूसी हैं डॉक्टर रहमतुल्ला भट्टी साहब। डॉक्टर साहब हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है वो ई सी ई एंड ई टी ई डिपार्टमेंट से है और डॉक्टर साहब के क्रेडिट पे एच ई सी के और एन जी ओ के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब ने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी प्रेजेंटेशंस हैं उनकी और इसके अलावा एआईयू के रिसर्च अवार्ड्स भी इनकी हैं इन्होंने और इसके अलावा जो इनके क्रेडिट पे है ये एसोसिएट एडिटर हैं ईसी रिसर्च जर्नल के और कई सालों से दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब आप जैसे हमने अभी बात की आपके डिपार्टमेंट की ईसीई एंड ईटी इस डिपार्टमेंट के तारुफ से पहले मैं ये जानना चाहूँगा एक ले पर्सन के तौर पर कि ये ई सी ई और ई टी ई में क्या फ़र्क है, ये डिपार्टमेंट के नाम के अंदर दो मुख्तलिफ नामन क्लेचर्स क्या शो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मैं आपका और हमारे आई ई टी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फ्राहम किया कि मैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हाज़िर हूँ और अपने डिपार्टमेंट का तारफ़ करवाऊँगा। तो जैसे कि आपने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट का जो एब्रीवेशन है वो है ई सी ई एंड ई टी ई टी, तो असल में इसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली 2003 में बना था फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है। और इसका नाम था एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। सही। 2008 में कीपिंग इन व्यू द इमर्जिंग फील्ड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो इस डिपार्टमेंट का नाम ई सी एंड ई टी ई टी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट रखा गया। अब जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हमारा डिपार्टमेंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उस फील्ड में ये टीचर्स को ट्रेंड भी करता है, मैं आगे डिटेल दूंगा उन प्रोग्राम्स की जिसमें है, और इसके साथ साथ एलिमेंट्री लेवल्स के जो टीचर्स हैं
उनको भी ये ट्रेंड करता है। ठीक है, अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंटरनेशनली ये बड़ा एक ट्रेंड है, तो इस पे फिर आगे जाके जैसे आप मुझे जितना टाइम देंगे मैं इस पे बात करूंगा। ये जो इसी का जो जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि क्या ये भी टीचर्स प्रोड्यूस करते हैं जो छोटे बच्चों के लिए उनकी देखभाल के लिए उनकी स्टडीज़ के लिए ट्रेन किए जाते हैं, और ETE ऐसे टीचर्स हैं जो बड़ी क्लासेस जो एलिमेंट्री लेवल तक की क्लासेस उनके लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, क्या ये इनमें कुछ डिफरेंस है? जी मैं इसकी गुजारिश करूं जी, बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही फरमाया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है ये हम 3 to 5 ठीक है इस एज ब्रैकेट में जो बच्चे हैं उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उन बच्चों को जो पढ़ाने का तरीकाकार है वो बाकी बच्चों को पढ़ाने से मुख्तलिफ है, टोटली मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही है, इनका करिकुलम भी डिफरेंट है, इनकी पैडागॉजी भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही, लिहाजा उनको पढ़ाने के लिए हमारा स्पेशल कोर्सेज हैं जिनमें हम टीचर को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसका मैं एक थोड़ा सा और भी बताता चलूँ कि हम ना सिर्फ एजुकेशन पे बल्कि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर पे बात करते हैं। सही, कि जो टीचर होता है उसको बकायदा उन बच्चों की हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, इन तमाम चीज़ों पे भी हम उनको कंटेंट में ट्रेन करते हैं। सही है, और एलिमेंट्री टीचर्स तो वही शुरू हो जाता है 1 to 8 एट क्लास तक। इसमें जैसा कि लोग जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट का चूँकि नाम एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन था तो ये PTC CT हमारे जो प्रोग्राम्स थे वही प्राइमरी टीचर्स के, फिर उसके बाद मिडिल टीचर्स के लिए, फिर हमारा एक बड़ा अच्छा खासा जो एक प्रोग्राम चलता रहा पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोग्राम था BEd। सही, तो वो जो जिसको आजकल ओल्ड BEd कहते हैं। सही, तो ये प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट में रहे हैं। सही, अच्छा डॉक्टर साहब जैसे प्रोग्राम्स की बात हो रही है तो इस वक्त जो ECE एंड ET डिपार्टमेंट के जो करंट प्रोग्राम्स हैं उनकी भी तफसील बता दें। जी मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट का नाम अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू होता है तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उन्हीं प्रोग्राम्स पे बात करूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मौजूदा जो हमने प्रोग्राम चल रहा है हमारा जो कि बहुत फेवरेट है वो है PGDECE पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये भी नया मेरे ख्याल कोर्स है, पहले ECE पे कोई कोर्स PGD नहीं था, कहीं भी नहीं था पूरे पाकिस्तान में। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को और हमारे मोहतरम डीन प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब और हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले ये डिप्लोमा लॉन्च किया माशाल्लाह। और इसका जैसे कि आपने मुझे शुरू में भी कहा था कि इनका आपने एलिजिबिलिटी बतानी है तो हमने वैसे तो ये ओपन है यानी कोई भी बच्चा एलिजिबिलिटी बेस है डिप्लोमा करना चाहे हाँ, उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन मैं क्या चाहिए? उधर आ रहा हूँ सर कि इसमें हमने जो रखा है वो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, BA आप BA होना चाहिए, BA BSc जो ठीक है। अच्छा जी, 2 semester हैं इसके। सही, उसमें होता है 1 year का सर, 1 year का ठीक है, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, बस हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेरिट बेस और एक होते हैं एलिजिबिलिटी बेस। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी बेस है कि जिसकी भी ग्रेजुएशन है ना हियर शी इज यानी सेकंड डिवीजन BA BSc के साथ कोई भी स्टूडेंट अगर है तो हाँ, वो इसमें PGD के उसमें दाखिला ले सकता है और 1 year का ये प्रोग्राम है 2 semester। अच्छा, अगली डॉक्टर साहब जो मैं कहता हूँ हमारा इसमें मेन फोकस क्या था, अब मेन फोकस ये था कि पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर है ना हमने पूरी वर्किंग की कि पूरी दुनिया की तरह अगर आप चूँकि हम तो चूँकि इसके काम करते हैं हमारे पास तो पूरे का पूरा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मौजूद है पूरी दुनिया में ECE में जो काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है ज़्यादातर। सही है, पाकिस्तान में जब हमने किया तो ज़्यादा वही था, फिर हमने इसमें ज़्यादातर कोशिश की, हमने टारगेट भी किया, मैं फील्ड में गया हम मिले कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग ECE अर्ली चाइल्डहुड डे केयर सेंटर चला रहे थे या उनके सेंटर थे या उनके अपने इदारे थे उन लोगों को हमने टारगेट किया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला ही बैच जो था उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट मिली वो उन्हीं से मिली। सही, तो फिर तो उसके बाद वो जैसे कहते हैं
कि अकेला ही जान बे मंजिल तो चला था, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बड़ा ही फेवरेट प्रोग्राम है जो चलता जा रहा है। अब हमें बड़ी डिमांड आई प्राइवेट सेक्टर से कि जी हमारे जो सेंटर्स हैं ईसीई के, उसमें बहुत सारी ऐसी तादाद है कि जो ये करना चाहती है लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपने बीए रखी हुई है। सही। फिर हमने सर्वे किया कि हम कहाँ पे रखें इसको। सही। तो फिर हमने जब वर्किंग की तो मैट्रिक और इंटर ज़्यादा थे। सही। तो हमने फिर ये दोनों ऑप्शंस के ऊपर एक डिप्लोमा है, मैं उसका अगर नाम सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट इन ईसीसीई एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, ये नया आप सर्टिफिकेट तो आपने लॉन्च किया है एफए कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, एफए एफएससी वालों के लिए, इंटर के लिए। अगर कोई स्टूडेंट एफए एफएससी है तो हाँ, वो इस सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं, अभी आएगा इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट सेमेस्टर हमने वर्किंग कर ली है, हमने उसको अप्रूव करवा लिया है। डॉक्टर साहब ये 6 मंथ का कोर्स है? जी ये 6 मंथ, 1 सेमेस्टर का कोर्स है। सेमेस्टर का। सही सही जी। तो इसके अच्छा, लिए भी कोई क्राइटेरिया तो नहीं है? नहीं, नहीं, स्ट्रेट अवे आप अगर एफएफएससी हैं तो आप सर्टिफिकेट कर सर्टिफिकेट कोर्स करें। तो ये हो गया ईसीई का जी। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं एलिमेंट्री के। सही। अच्छा, फिर मैं आऊँगा एमफिल पीएचडी के अंदर जी। जी ईसीई फिर वहाँ हम हाईलाइट करते हैं जी। ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर हमारा कोर्स है एडी, वो जो हमारे पुराने पीटीसी सीडी होते थे वो जब फेज आउट हुए ना तो उनकी जगह पे एडी। और मैं डॉक्टर साहब अपने डीन और चेयरमैन डॉक्टर फजलुर रहमान साहब का इस बात का बहुत ही मौत के दूं कि उनकी सोसाइटी की नबज़ पे बड़ी नज़र होती है। हमने एडी 3 शुरू किए थे। सही। एडी 1 ईयर, एडी 2 ईयर, एडी 3 ईयर। एडी 1 ईयर हमने ऐसे लोगों के लिए किया कि वो साथ कराम जो अनट्रेंड थे और वो पीटीसी सीटी उन्होंने नहीं किया था लेकिन गवर्नमेंट में उनकी जो प्रमोशन थी उसके लिए डिमांड थी। सही। हमने वो एक साल शुरू किया पीटीसी सीटी की जगह पे। उसके बाद फिर जब ये एडीई लॉन्च हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट सामने आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे कुछ प्रोविंसेस कहते थे नहीं जी एडीई 3 ईयर होना चाहिए। ठीक है। हमने फिर एट पैरेलल एडी 2 ईयर और 3 ईयर चलाया। बाद में प्रोविंसेस की आपस में कंसेंसस हो गई और वो 2 ईयर पे चला के अब एडी 2 ईयर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। एडी 3 ईयर के भी कुछ स्टूडेंट, ये भी एफएफएससी के बाद है जी, इसका भी इंटरमीडिएट होना चाहिए। सही। और सेकंड वीन होनी चाहिए। सही। 45% वो चीज़ जी। ठीक है। ये हमारा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है जी। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि एफएफएससी के बाद 2 साल उसने लगाए, अब बच्चे के लिए ये चांस मौजूद है कि वो आगे हमारा बीएड 4 ईयर है जिसकी मैं डिटेल दूंगा, वो उसमें इनरोल हो के 2 साल मज़ीद लगा के बीएड 4 ईयर कर लेता है। सही। अच्छा जी, ये इसकी खूबसूरती थी, लिहाजा इसको भी हमारी बड़ी अच्छी रिकग्निशन सोसाइटी के अंदर चल रही है। सही। उसके बाद है हमारा बीएड 4 ईयर जिसको कुछ लोग बीएड ऑनर्स भी कहते हैं, बीएसपी कहते हैं, बीएस नहीं, हम उसको बीएड 4 ईयर कहते हैं। बीएड 4 ईयर हमारा उसका नाम जी, जो नॉमनक्लेचर हमारा अप्रूव है वो बीएड 4 ईयर है। उसमें भी हम इंटरमीडिएट सेकंड वीजन कोई भी है, 4 साल 8 सेमेस्टर है उसके। ठीक है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। ठीक है। कि इसके अंदर हम कंटेंट और पेडागोजी दोनों, जिसको अगर मैं उर्दू का एक लफ्ज़ बोलूँ ना कि हुसैन इम्तजाज हमने पैदा किया हुआ है। सही। वो पैरालल साथ साथ चल रहा होता है, बच्चा पढ़ भी रहा होता है, उसको पढ़ाने का तरीका भी देख रहा, तो वो बड़ी अलाइनमेंट है उसके साथ वो चल रही है। अच्छा जी, अब ये एलिमेंट्री का अपना है, सेकेंडरी का अपना है, साइंस का अपना है, हमारा एलिमेंट्री का है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन के साथ आगे कोर्सेज। उसके बाद हमारा आता है बी ए 2.5 साल। सही। ये बी ए के बाद है, वो पहले भी जो बीएड हमारा पुराना ओल्ड होता था जी जी, वो बीए के बाद हुआ करता था। अब एक्चुअली ये हमने थोड़ा लेट शुरू किया, हमने किया था, मैं आगे बताऊंगा, बीएड 1.5 साल। हमारा बहुत सारा जो क्लाइंट्स था, क्योंकि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है जी जी, ये कुछ स्पेशल एरिया की तो नहीं है, हमारा तो तुर्बत में भी बैठा हुआ है बच्चा, और उसके बाद सिंध के दूर दराज इलाके, पंजाब के, जहाँ भी थे। अब उन लोगों की क्वालिफिकेशन ही बीए थी, वो किधर जाएँ, तो उनके लिए बी ए 2.5 मतलब अगर वो पीछे जाते हैं 4 ईयर में तो इंटर के 2 साल जाया,
और वो आगे 1.5 का जिक्र, उसमें वो जा नहीं सकते थे। इसको भी फिर हमने बनाया, इसमें भी कंटेंट और पेडागोजी साथ चलती है। उसके बाद फिर हमारा है बीएड 1.5, डेढ़ साल हम उसको कहते हैं जी जी। वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एक मैं क्लियर करता जाऊं, स्टूडेंट सम टाइम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एमए एजुकेशन नहीं होना चाहिए। सही, क्योंकि ये कोर्सेज उसके साथ अलाइन है, यानी कोई भी अदर देन एमए एजुकेशन अदर देन बीएसओ, जितने बीएस है आपको पता है इक्वल टू एमए एमएससी ठीक है, और एमए, और वो भी उसी तरह एलिजिबिलिटी बेस है ठीक है, सेकंड डिवीजन है तो आप जो है तीन सेमेस्टर है, और ये बीएड 1.5 में दाखला है। इस पे बड़ी ही, इस पे भी हमने मेहनत की है कि वो जो एक हमारे ऊपर समझने के इतराज था कि पुराने बीएड में एक साल में सही तरह से टीचर में वो कॉम्पिटेंसी नहीं होती ठीक है, और कंटेंट नॉलेज तो होता है लेकिन हाँ नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ना कि अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस उनमें नहीं पैदा होती थी। सही। हमने इसको डेढ़ साल किया, और इसका एक खूबसूरत और पहलू है साथ, वो स्टूडेंट सुन रहे हो कहेंगे जी हर चीज़ में एक आधी खूबसूरती मौजूद है, तो भाई हर प्रोग्राम में कोई ना कोई खास करेक्टरिस्टिक है। सही। हमने टीचर्स को ना रिसर्चर भी बनाया है ठीक है, एक छोटा सा रिसर्चर, एक्शन रिसर्च का एक इसमें कंपोनेंट है। बीएड 1.5 में भी, 2.5 में जी जी, हमने एक्शन प्रोजेक्ट रखा है, एक्शन रिसर्च होती है ठीक है, एक्शन सर्च। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह खुद बड़े प्रोफेसर हैं, आपको पता है कि भी बच्चा खुद ही वहाँ पे एक मसला देखे तो खुद ही सॉल्व करे। सही है, वो लकीर का फकीर ना बनता रहे कि जी नहीं मैंने तो ऐसे ही पढ़ाना है, नहीं। सही, सिचुएशन इमर्ज हुई, उसने उसको हैंडल कैसे करना है वो उसको देखता है, हम उसको ट्रेन करवाते हैं यानी कैसे रिसर्च कंडक्ट करनी है, एक एक्शन रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। बिल्कुल, ये आप 1.5 के अंदर भी और बीएड 2.5 के अंदर भी उसको करवाते हैं ताकि आने वाले वक्तों में जब वो खुद टीच कर रहा होगा जी जी, उसको जो भी लोकल सेटिंग में प्रॉब्लम आ रहे होंगे उनके वो खुद सोल्यूशन तलाश करे, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। बकायदा ऐसे ही नहीं कि उसको हम दे देते हैं, बकायदा उसका सुपरवाइजर मुकर्रर हो जाता है ठीक है, उसको ट्रेनिंग करवाई जाती है ठीक है, फिर सुपरवाइजर होता है, फिर उसके साथ वो पूरी की पूरी वो रिसर्च है, वो क्योंकि टाइम नहीं इतना कि मुझे करके, फिर वो सुपरवाइजर पूरा उसके साथ रहता है 3-4 हफ्ते ठीक है, डेढ़ 2 माह तक वो करता रहता है, फिर वो उसको करता है और फिर वो आगे जाता है। अच्छा जी ये प्रोग्राम हो गया, अब फिर आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा है एमएड एलिमेंट्री ठीक है, कि ये आपको पता है कि एमएड की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली मैनेजर्स, एजुकेशनल मैनेजर्स हैं जिनके लिए किया जाता है ठीक है, तो उसमें भी हम एलिमेंट्री एरिया को फोकस करते हैं, इसी नहीं एमएड एलिमेंट्री ठीक है, यही जो स्ट्रीम चली ना कि ए डी ई ये वो ये सारे के सारे वहाँ तक आ गए जी ठीक है, ये एलिमेंट्री आता गया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं एमफिल और पीएचडी के कोर्सेज। सही, अब एमफिल पीएचडी हमारे हैं तो मिक्स ही कि एलिमेंट्री भी हो और अर्ली चाइल्डहुड भी हो, लेकिन हम इस वक्त कीपिंग इन व्यू द इंटरनेशनल ट्रेंड्स कि वो इस वक्त पूरी दुनिया को ईसीई की इम्पोर्टेंस का पता चल गया, पाकिस्तान में भी बाकायदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका करिकुलम भी आ गया है, और बाकायदा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ईसीई सेंटर कायम होना शुरू हुए हुए हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, पंजाब सबसे आगे जा रहा है, इस्लामाबाद कैपिटल में भी बने हुए हैं। तो हम स्टूडेंट्स को फोकस करते हैं कि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एमफिल और पीएचडी करें ठीक है, हम उनको फोकस करते हैं उधर जाएं, वो के एलिमेंट्री में भी कर सकते हैं लेकिन हमारा फोकस इस तरफ है। बिल्कुल, तो ये हैं डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम्स की। अब एमफिल का वही क्राइटेरिया है जो बाकी सब का है कि उसका ये, हाँ एमफिल और पीएचडी हमारा एलिजिबिलिटी नहीं है, ये मेरिट बेस है, उसका एडमिशन टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट के बाद इंटरव्यू, फिर उसके बाद कीपिंग इन व्यू द पोजिशन ऑफ फैकल्टी स्टूडेंट रेशो एचईसी के मुताबिक वही किया जाता है। सही डॉक्टर साहब, जितने आपने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल के साथ प्रोग्राम्स को बताया है एडीई से लेके और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो ईसीई के लेके और उसके बाद बीएड 4 ईयर प्रोग्राम और फिर एमफिल और एमएड और पीएचडी सारे प्रोग्राम, डॉक्टर साहब ये सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए फैकल्टी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें जी। बिल्कुल, ईसीई और ईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोलीग्स हैं या ओवरऑल कोई आप पिक्चर देना चाहें। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब कि कोई मुबालगा राय नहीं है, ये फैक्ट्स हैं और आप भी जानते हैं बाकी भी जानते हैं कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को जो इस वक्त हेड कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद, बिल्कुल एक नाम है, एचईसी उसको जानती है, दुनिया जानती है, यूनिवर्सिटीज जानती हैं, एक विजनरी लीडर है
बिल्कुल सही। हाँ जी, अच्छा ये उनका वीएन है और उनके साथ हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, ये उन दोनों का एक वीएन है जिसको लेके डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। और कभी भी ये नहीं हुआ कि डिपार्टमेंट अब जिसको कहते हैं जमूद का शिकार हो गया हो, हर वक्त उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काम चलता रहता है। बिल्कुल। तो ये सारे जो वीएन्स हैं, ये डॉक्टर नासिर महमूद साहब हमारे डीन और हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, उन दोनों की एक आपस की मशावरत हमारी रहनुमाई में ये पूरी टीम काम कर रही है। अगली बात जो आपने फैकल्टी पूछी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे डिपार्टमेंट में हम 8 लोग हैं सही जो काम कर रहे हैं, और सब लोग सिवाय एक हमारे साथी हैं जो वो भी माशाल्लाह अभी फाइनल उसका पीएचडी होने वाली है, 7 के साथ पीएचडी लोग हैं माशाल्लाह जिनका फॉरेन एक्सपोजर है। और उन सब के क्रेडिट पे अगर मैं उनकी प्रोफाइल पे बात करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम हमें 2-3 करने पड़ेंगे। बिल्कुल हाँ, इतना उनका काम है कॉन्फ्रेंसेज में, रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे, वो मैं आगे डिटेल में बात करूंगा हमारे डिपार्टमेंट में। तो ये सारी चीज़ें थी बिल्कुल कि जिस वजह से ये डिपार्टमेंट जो है ना, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट वैरायटी में प्रोग्राम्स जो है ना वो कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमें एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल रही है सोसाइटी से, क्योंकि वो जैसे हम कहते हैं एजुकेशन के अंदर कि हमारी जो लीडरशिप है ना, उनका वीजन ये है कि आउटरीच, कि यूनिवर्सिटी की दीवारों में नहीं हमने बंद रहना, ठीक है, हमने सोसाइटी में जाना है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ही असल जो है वो हमसे एक अपनी डिमांड कर रही है और उसकी डिमांड की बेस के ऊपर हम चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कॉन्फ्रेंसेस की बात की और रिसर्च की बात की, तो डिपार्टमेंट क्या कोई ईसी स्पेशली, जैसे आप बता रहे हैं कि एक इमर्जिंग एरिया है और इस पर पहले गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह के ना तो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, फ़र्स्ट टाइम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ईसी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज, और आप इनक्रेज भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स पीएचडी भी उसमें करें, एमफिल भी करें, तो डिपार्टमेंट क्या कोई कॉन्फ्रेंसेज ईसी में इनकाद करवा रहा है या आगे इन फ्यूचर इसमें क्या प्लान है, और रिसर्च जर्नल्स के हवाले से भी ये आप ज़रा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने एक बहुत ही समझ लें कि इम्पोर्टेंट एरिया की तरफ मुझे लेके गए हैं। देखें जी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी लीडरशिप ये चाहती है कि वो नहीं कि ये दीवारों के अंदर हो रहा है, अवाम को पता चले, उनको अवेयरनेस हो। अब अवेयरनेस के 2 ही तरीके, एक रिसर्च जर्नल्स और दूसरी कॉन्फ्रेंसेस जो बड़ी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की सबसे पहली इंटरनेशनल ईसी कॉन्फ्रेंस करवाई, और डॉक्टर साहब आप उसकी इम्पोर्टेंस को अंदाज़ा लगाएं कि डेली 2 दिन कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे डीन और मेरे चेयरमैन साहब का एक ट्रस्ट है कि मैं ये जितनी ऑर्गेनाइज करना वगैरह इसकी भाग दौड़ में, मैं ही समझ लें कि भी फ्रंट मार्च पे खड़े होकर गोली चलाने वाला मैं सिपाही हूँ, तो फील्ड में भी जाते थे। आप हैरान होंगे डॉक्टर साहब कि पूरा दिन 3 मिनिस्टरों ने आपस में बारी लगाई हुई थी। अच्छा। एक मिनिस्टर हर वक्त मौजूद रहता था माशाल्लाह, दूसरा मिनिस्टर आता था तो वो जाता था, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेशन टू डिनर जबरदस्त वहाँ तक, और फिर क्लोजिंग में उस वक्त के जो अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब, बिल्कुल सही, हमारी हौसला अफजाई के लिए वो तशरीफ लाए। और अक्सर भी जो कॉन्फ्रेंस है, सॉरी मैंने आपकी बात, ये कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट का जो है वो एक खासा है मेरे ख्याल है, और ये क्या एनुअल बेसिस पे आप हर साल करवाते हैं या कभी कभार आपका? नहीं डॉक्टर साहब, ये हर साल होती है। अच्छा माशाल्लाह। और हमने बड़ा अच्छा बहार का मौसम रखा हुआ है। अच्छा, कौम को बहार के मौसम में बहार की नवीद सुनाने के लिए, कि कौम के जो बच्चे हैं जिसको हम कहते हैं नौ निहाल आने कौम, उनको हम बहार के मौसम में तैयार करने के लिए जो प्लान होते हैं वो पूरी कौम के साथ शेयर करते हैं। और हम इस वक्त, ये सिर्फ कोरोना की वजह से हमारी एक नहीं हुई, सही है, वरना हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। इस वक्त हमारी 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, माशाल्लाह, वो हमने प्लान कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब कब तक ये मार्च में इंशाल्लाह है,
और हम अनकरीब आई होप के चेयरमैन साहब ने जुमे वाले दिन भी हम बैठे थे तो कह रहे थे कि यार इसकी हमने डेट डिसाइड करके ना तो पेपर सबमिशन की डेट जो है वो वेब पे लगा दें। वेब पे हमारी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ वाला मेन होता है वहाँ पे वो लग चुकी है, ये मार्च में होनी है। और मैं आप ने जो एक मौका फराहम किया है इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए, मैं जो भी सुन रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स भी जो पीएचडी के हैं, ठीक है, जो एमफिल के हैं, वो अपने पेपर तैयार करें, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ईसी कॉन्फ्रेंस जो हमारी हर साल मार्च में ईसी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फरवरी मार्च, हाँ जी, बस ये रहता हमारा, बिल्कुल सही है, हर साल ये इस तरह एक कॉन्फ्रेंस, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ा इसमें डिफरेंट एनजीओज और इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी जो है ना वो आते हैं और पार्टिसिपेट जी। हम डॉक्टर साहब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, ठीक है, ईसीए की सही, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर में इसमें काम करने वाले हैं, मसलन कि मैं एक मिसाल के तौर पे परवान हमारे साथ है, सही, बड़ा नाम है, उसके बाद रूपानी फाउंडेशन, रूपानी फाउंडेशन है, उसके बाद पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हमारे साथ सही है, इसके अलावा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल नेटवर्क जिनके चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब हैं, जब भी हम इन सब साथियों को रिक्वेस्ट करते हैं सही, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ ईसी का एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो हमारी इस टीम में शामिल है और वो खुशी के साथ आके बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसर्च जनरल का भी जिक्र हुआ, आपने बताया कि ईसी का रिसर्च जनरल है, डॉक्टर साहब ये एचईसी से रिकॉग्नाइज जनरल है जी? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि प्रोग्रामों की बात की जी, तो आपके लिए ये यकीनन बड़ा खुशकुन ये भी बात होगी कि ईसी एंड ईटीडी डिपार्टमेंट दो जनरल निकालता है माशाल्लाह, एक पाकिस्तान जर्नल ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, और दूसरा जो हमारा जर्नल है वो है जी जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों एच ई सी के वाई कैटेगरी के जर्नल माशाल्लाह जबरदस्त। साल में डॉक्टर साहब ये दो दफा छपते हैं, दो दफा छपते हैं जी बिल्कुल, यानी बाई एनुअल, दोनों जर्नल बाई एनुअल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब से स्टार्ट हुए रेगुलरली छप रहे हैं, वाई कैटेगरी एक क्वालिटी को हमने फॉलो किया हुआ है। मैं वैसे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि जो एम फिल पी एच डी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो ईसी में रिसर्च जो उन्होंने कर ली है उसको वो पब्लिश करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल जो है वो इन जर्नल्स में भेजें, तो उनको भी फ़ायदा होगा और एक पब्लिकेशन जो है जब हो जाएगी तो वो डिसिमिनेट होगी तो काफ़ी सारे लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा वाक़या जो आपने, इतनी आपकी सर्विस है माशाल्लाह अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, जो आप खुशगवार वाक़या कुछ शेयर करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के साथ? डॉक्टर साहब यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह के मैं जिसको कहता हूँ कि हमारे डीन साहब और चेयरमैन साहब, चूँकि डीन साहब हमारे डिपार्टमेंट के काफ़ी देर तक चेयरमैन भी रहे हैं, हमने उनके साथ भी काम किया है, और जो इस वक्त चेयरमैन है वो एक फ़िलासफ़ी हमेशा हमें कहते होते थे, कहते कि यार जो टीम है ना टेंशन फ्री माहौल में काम करें। सही है। आज सुबह भी ऐसी बात हो रही थी तो चेयरमैन साहब डॉक्टर फजल रहमान साहब कह रहे थे एक साथी को कि यार टेंशन फ्री माहौल में काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा, यही हमारे डीन साहब कहते हैं। तो हर दिन ही वो जैसे कहते हो कि हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात मेरी शब रात हो, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो है। लेकिन जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ ना तो वो हमारे लिए एक बड़ा इमोशनल डिपार्टमेंट के लिए दिन था कि जब हम पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे माशाल्लाह, हमारे डिपार्टमेंट की थी, गो के पूरी फैकल्टी होती है, सारे साथी होते हैं, सारे लेकिन वो चूंकि डिपार्टमेंट की थी लीड कर रहे थे, हाँ लीड कर रहे थे, रात दो दो बजे तक हमारा डिपार्टमेंट डॉक्टर फजल रहमान साहब समेत हम अकेडमी कॉम्प्लेक्स में बैठे एक एक चीज़ को देखते थे, यार एक मॉडल देना है उसको। और फिर जब हमें प्रेसिडेंट साहब से टाइम मिल गया तो वो हमारे लिए एक बड़ी खुशी का दिन था कि पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर उनका वहाँ पे स्टेज पे जब ये कहना कि यार मैंने ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं देखी और ईसी का इतना काम नहीं देखा, उन्होंने ही हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो वो अनाउंस किया था। अच्छा, कहते कि यार आप लोग इतना काम कर रहे हो, ये मेरी ख्वाहिश है
कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ईसी का होना चाहिए। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियलाइज होने वाला है, उसके मैप वगैरह और फंडिंग शंडिंग सारी अप्रूव हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि कोई उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी या इस किस्म का आगाज कॉन्फ्रेंस के मौके, तो वो मैं यकीन जाने के डॉक्टर साहब कि वो हमारे लिए एक इंतहाई डिपार्टमेंट की एक ना तारीख का, जिसको कहते होते हैं कि एक माइल स्टोन था कि जो हमने इंजॉय किया। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई फ्यूचर में भी जितने आपने प्रोग्राम्स माशाल्लाह बताए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स आपने नया ईसी के लिए लॉन्च किया, एंटरप्रेन्योरशिप का एडी के प्रोग्राम हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो इन फ्यूचर क्या कुछ नए प्रोग्राम भी डिपार्टमेंट सोच रहा है कि अगले कुछ सेमेस्टर्स में या अगले कुछ सालों में, जैसे ईसी की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा है, तो क्या ईसी में कोई नए प्रोग्राम भी आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इस वक्त ना बीएस चल रहे हैं ना सारे, ठीक है, हमने कहा नहीं, हमारा चूंकि डिपार्टमेंट स्टार्ट ईसी से होता है, हम बीएस ईसीसीई हम वो लॉन्च कर रहे हैं, बीएस ईसीसीई ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हाँ जी सही है। हम ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फोर ईयर प्रोग्राम स्कीम ऑफ स्टडी अप्रूव हो चुकी हुई है, हर लिहाज से नोटिफाई हो चुकी है, ठीक है, हम इसके कोर्स लिख रहे हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट खुद लिख रहा है, सही है, इसके कोर्स डेवलप, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा पूरा प्लान है कि हम ये जो हमारा स्प्रिंग 2022 आ रहा है ना, सही, उसमें हमने इंशाल्लाह इसको लॉन्च कर, जबरदस्त, और ये भी पूरे पाकिस्तान का एक यूनिक प्रोग्राम होगा। और डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पूरी जी जी हर डिपार्टमेंट के मेरे पास डेल है, चूँकि मैं काफ़ी देर तक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का फोकल पर्सन भी रहा, सही, तो हर एक की अपनी अपनी एक यूनिक लाइन है, सही, तो इसलिए चूंकि अब मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये भी एक यूनिक प्रोग्राम पाकिस्तान का है कि जिसमें अर्ली चाइल्डहुड के अंदर भी बीएस हो रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में कोई स्टूडेंट्स के लिए हमारे मैसेज देना चाहें जो हमारे इनकमिंग में जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और ई सी प्रोग्राम्स में या आई टी प्रोग्राम्स में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो बोले? डॉक्टर साहब देखें कि आप प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, आपकी भी उस पर नज़र है, मैं ये स्टूडेंट्स को चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलरली ये जो ईसी है, ये एक इमर्जिंग एरिया है, इसको दोनों लिहाज से, एक नेकी के लिहाज से और एक जॉब के लिहाज से, ये एक इग्नोर्ड सा एरिया रहा है, लेकिन अब इसमें बड़ा स्कोप है, ठीक है, वो हमारे जो जो अपनी एलिजिबिलिटी जहाँ पे जिसकी बनती है, ठीक है, वो इसी को फोकस करें, सही, और फिर पर्टिकुलरली हमारा जो एमफिल पीएचडी है उसमें मैं ये भी बड़े एक कॉन्फिडेंट से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बुक्स हमारे डिपार्टमेंट ईसीई पे परचेज करवा के लाइब्रेरी में भरी हैं, सही, उतनी किसी और कोर्स के लिए हो, ठीक है, तो वो इसमें आएँ, ईसी में रिसर्च करें, इंजॉय करें, सही, देखें कि जी ये तो हमारी फितरत है मासूम बच्चों से खेलना, आप मासूम बच्चों से खेलें, नन्हे फूलों से खेलें, फरिश्तों से खेलें और इंजॉय करें, सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला। मैं स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि ईसी प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, नए सर्टिफिकेट कोर्सेज डॉक्टर साहब ने उनका जिक्र किया, डिप्लोमा का जिक्र किया, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम जो ईसी और ईटी में डॉक्टर साहब ने बताए उनमें आप ज़रूर आएँ और एडमिशन लें, और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डिपार्टमेंट की डिटेल गिवन है, सब जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके ईमेल एड्रेसेस गिवन है, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन या आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो इन प्रोग्राम से रिलेटेड, वो आप डायरेक्ट वहाँ पर ईमेल करके या कॉल करके ले सकते हैं। आखिर में मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहूँगा, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो गुल खिले खिला रहे यहाँ खिजां को गुज़रने की मजाल ना हो। फैकल्टी ऑफ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना मुख्तार और आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स शामिल हैं, लेकिन आज हम इनको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है और उनकी क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिस तरह के हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर अपनी आउटपुट जनरेट करता है। ये आउटपुट कोई प्रोजेक्शन हो सकती है, कोई डिस्प्ले हो सकता है, या कोई फिजिकल प्रोडक्शन जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, जैसा कि आपका पेपर का प्रिंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। वन इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड अदर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो एक ऐसी आउटपुट जो कि आपके पेपर पर जनरेट नहीं हो रही, इट इज़ टेम्प्ररी इन नेचर एंड इट कैन वैनिश ईजिली। जिस तरह हम अपने मॉनिटर्स पे जो आउटपुट देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अदर फॉर्म इज़ दी हार्ड कॉपी आउटपुट, यानी जो आउटपुट आपके प्रिंटर्स या प्लॉटर्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ दी हार्ड कॉपी आउटपुट एंड यू कैन नॉट इवन टच, बल्कि आप उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज जो आउटपुट डिवाइसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें शामिल है मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स, प्रोजेक्टर्स एंड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इससे पहले कि हम इनकी डिटेल में जाएं कि ये कैसे काम करते हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज डिवाइसेस actually work in detail. So let's start from the monitor. Output devices के हवाले से बात करें तो monitors is the most famous or the popular output device. Monitor जो output generate करता है उसको soft copy output कहा जाता है, and it is generated on the screen which is just like the television. यानी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप TV देख रहे हैं। Monitor जो output generate करता है उस terminal को VDT यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। अमूमन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल को जो मेंशन करते हैं पुराने ज़माने में, वो कीबोर्ड के साथ कहा जाता था, यानी जिस डिवाइस के साथ कीबोर्ड मौजूद हो उसको VDT कहा जाता था। लेकिन अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि डिवाइसेस के साथ अब कीबोर्ड मौजूद नहीं है, तो हम खाली अपने जो स्क्रीन पैनल है उसको भी VDT कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, जिसमें आपकी CRT मॉनिटर्स जिनको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहा जाता है, LCD मॉनिटर्स जिनको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स कहा जाता है, एंड LED मॉनिटर्स जिनको लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि CRT मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं। CRT मॉनिटर जिस तरह के आप फिगर में भी देख सकते हैं, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है दैट इज़ क्वाइट हैवी और कुछ बाहर से निकला होता है। CRT मॉनिटर्स जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता है। CRT मॉनिटर्स रिलायबल होते हैं, बट उनकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती। साथ ही साथ दे आर ऑब्वियसली हैवी वेट, जिस तरह के आपको देखने से भी पता लगता है। CRT मॉनिटर्स अब बहुत कम देखने में आते हैं और अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और इसकी जगह आपके फ्लैट पैनल्स ने ले ली है, जिनको LCD पैनल्स या LED पैनल्स कहा जाता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। फ्लैट पैनल्स में दो टाइप्स आपके पास मौजूद हैं, LCD और LED। देखा जाए तो दोनों लाइट वेट हैं, दोनों थिन हैं स्क्रीन के हवाले से, और दोनों की रेजोल्यूशन अच्छी है। लेकिन जब भी आप अपना TV खरीदने जाएंगे तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं LCD TV खरीदूं या LED TV। हम इसके बेसिक फ़र्क को जान लेते हैं, इस तरह आपको भी आसानी हो जाएगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। LCD और LED में जो बेसिक डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी का है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो कि बैक लाइट उसको प्रोवाइड कर रही है, यानी स्क्रीन के पीछे जो इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइट दी गई है, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। देखा जाए तो LED LCD का एक एडवांस वर्जन है, और इनमें जिस तरह के आप फिगर में देख सकते हैं जो बेसिक डिफरेंस है वो बैक लाइट का है। LCD के अंदर जो बैक लाइट है वो कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप्स के जरिए दी जाती है, जिसको CCFL भी कहा जाता है, जबकि LED के अंदर जो बैक लाइट है वो LED
डिफरेंट स्मॉल LEDs लगाई जाती हैं और उससे आपकी स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेट होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस इज़ द प्रिंटर। प्रिंटर आप ऑफिसेज में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। प्रिंटर बेसिकली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी ये पेपर की फॉर्म में आउटपुट जनरेट करता है जिसको आप टच कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। प्रिंटर्स को दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज़ दी इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड अदर इज़ दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की क्लासिफिकेशन आप एट अ टाइम प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के ऊपर भी की जा सकती है, यानी एक वक्त में वो एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक लाइन प्रिंट करता है या एक पेज प्रिंट कर सकता है। तो दे आर थ्री मोर कैटेगरी जिसको हम कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कह सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में देखें तो सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अनदर प्रिंटर जिसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है, इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर। एंड दी मोस्ट कॉमन प्रिंटर जो कि हम प्रेफर करते हैं यूज़ करना इज़ दी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज ऑल्सो अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? वो प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो विद द पेपर, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ हैमर और अ पेन, यानी रबर पे हैमर स्ट्राइक करता है और उसके बाद आपका पेपर पे इमेज ट्रांसफ़र होता है। दिस काइंड ऑफ प्रिंटर्स आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स रिजेंबल्स विद अ टाइप राइटर, जिस तरह आपके टाइप राइटर स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर और कैरेक्टर प्रिंट करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी बिल्कुल इसी तरह रिबन के साथ स्ट्राइक करता है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर और पेंस एंड देन इट गिव्स यू द इमेज। यहाँ हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर का एक इमेज मौजूद है जो कि उसकी इनर साइड एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिबन और रिबन के ऊपर हैमर स्ट्राइक कर रही है विद द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड देन इट गेट्स द इमेज ऑफ दैट कैरेक्टर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया अपने फिगर में कि इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर, यानी ये एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसीलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर या फिर सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। स्पीड के हवाले से बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है दैट इज़ एन एवरेज स्पीड, यानी 30 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ये प्रिंट कर सकता है। कॉस्ट के हवाले से बात करें तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है, बट द ड्रॉबैक्स आर दैट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज, और ये जो प्रिंटर है इट प्रिंट्स अ लो रेजोल्यूशन इमेज। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिंटर इज़ द ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जिस तरह के आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इट इज़ अ लाइन प्रिंटर, यानी ये एक सेकेंड में एक लाइन प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसके ऊपर कैरेक्टर्स एम्बोस्ड होते हैं और वो कैरेक्टर्स वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। एनर्जी के हवाले से बात करें तो इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, यानी कम पावर यूज़ करता है एंड इज आल्सो यूजेस लेस इंक। लेकिन ड्रॉबैक्स के हवाले से बात की जाए तो जो ड्रम प्रिंटर है इट इज़ स्लो इन स्पीड, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज एंड इट्स आल्सो ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। जबकि क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग को देखें तो ये लो क्वालिटी प्रिंट्स देता है। फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं तो जिस तरह के आपको फिगर में नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कैरेक्टर्स एम्बोस्ड हैं। आप देख रहे हैं कि एक लाइन में एक ही कैरेक्टर है।